तो कल हमने यहीं पे छोड़ा था अपना वीडियो, आज हमने क्रूज़ राइड दिखानी थी, तो आज हम अपने छोटे से क्रूज़ पे एंटर कर रहे हैं। अभी ये वुडन स्टेयर्स हैं और इस वुडन स्टेयर्स का कलर मेरी टी शर्ट के कलर से मैच हो रहा है, तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रही। और ये सारे इनका स्टाफ है, क्रू मेम्बर्स, एंड ये है हमारी छोटी सी बोट जो हमें पूरा वल्तावा रिवर का राइड कराने वाली है आज, और देखते हैं कैसा होता है। तो ये हमारी धन्नो आज की, तो बैठे भी हैं इसमें दो लोग पहले से, बट अभी मैं थोड़ा वेट कर रहा है जब तक और लोग नहीं आ जाते, और तब तक हमें कुछ स्नैक्स मिला है। ये मिली है चाय, और ऐसे दूध आता है यहाँ छोटे छोटे डब्बों में, तो ये मैं बना रही हूँ चाय। बट चाय बहुत अच्छी होती है, बट जब हम इस दूध को डालते हैं ना, इस मिल्क को ठंडी हो जाती है, तो मज़ा नहीं आता फिर चाय पीने में। तो हेडफोन्स भी मिले हैं ताकि वो राइड चलेगी तो फिर हमें कुछ सुनने को मिलेगा। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ यू नो केक उन्होंने शिप में राइड में सबको दिया है खाने के लिए, इट्स यमी एक्चुअली। एंड हम वेट कर रहे हैं अपने सेलर का, देखते हैं वो कब तक आते हैं, कैप्टन का वैसे बेसिकली। ये राजा की बातें, ये मजनू के तो हमारे कैप्टन अब आ चुके हैं और हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है, हमारा क्रूज स्टार्ट हो चुका है। बोट बोलने में थोड़ा सा बेइज्जती सी लग रही है। इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सी। और ये है हमारा ब्रिज, विच इज चार्ल्स ब्रिज, कितना ओल्ड ब्रिज है ये सीरियसली। एंड अब हमारे कैप्टन हमें बताएंगे, गाइड करेंगे, और हमारे पास हेडफोन्स भी हैं तो हम उसको स्विच करके भी सुन सकते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियोज होते हैं। एक्चुअली अंकल जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल के जो यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज है इसके साइड में नेक्स्ट अब जो वॉल आएगी वहाँ पे एक फेस काइंड ऑफ बना हुआ है, पत्थरों से ही बना हुआ है, स्टोन से, उसको ब्रेजक करके बोलते हैं। तो वो एक्चुअली पहले टाइम पे, बहुत पहले टाइम पे फ्लड जब बाढ़ आती थी तो उसका मार्कर था, अगर पानी ये वाला अगर पानी यहाँ तक आ गया तो बाढ़ की स्थिति आ गई मतलब, तो ये पहले टाइम पे ऐसे निशान था। अब तो कुछ इन्होंने रेड मार्क बना रखा है और ऊपर, अगर वहाँ तक पानी आ जाएगा दैट मीन्स कि आपको सिटी खाली करनी है, ये सब ये बता रहे थे यहाँ पे। और अब जो ये बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मतलब वो जब यहाँ से इस प्रैग कैसल को देखते हैं ना, मतलब वो बचपन से इसको देखते आए हैं और अभी भी देख रहे हैं, और वो थके नहीं हैं इसको देख देख के, वो इतना सुंदर व्यू दिखता है इसका यहाँ से। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो ये प्रैग कैसल है, ये इट इज़ द लार्जेस्ट कैसल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, इसका कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, विच इज़ 70,000 स्क्वायर मीटर्स। हमारे कैप्टन साहब हमें बहुत कुछ बता रहे थे यहाँ की कहानियाँ, तो जो मेन है वो मैंने रिकॉर्ड की, बाकी मैंने नहीं की क्योंकि मेमोरी इतना स्पेस भी नहीं था। साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उड़ा। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि पहले ये जो कंट्री थी इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, अगर सबको याद होगा तो हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे चेकोस्लोवाकिया करके कंट्री थी। तो उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वन इज़ चेक रिपब्लिक, अदर इज़ स्लोवाकिया। तो 1993 में इसका डिवीज़न हुआ, और जो कि एक बहुत ही म्यूचुअल डिवीज़न था, जो कुछ तो रिलीजियस प्रोफाइल्स के चलते हुआ था, बहुत ही मतलब पीसफुल तरीके से इसका डिवीज़न हुआ था, जो यूजुअली कंट्रीज़ में होता नहीं है, तो इसीलिए इसको वेलवेट डिवोर्स बोला जाता है कि कंट्री का डिवोर्स हो गया तो दो पार्ट्स में बट गए और बहुत अच्छे तरीके से बटे, इसलिए इसको वेलवेट डिवोर्स बोला जाता है। और उस टाइम पे जब इसका डिवीज़न हुआ तो इन्होंने जो इनके कॉमन गुड्स थे लाइक एम्बेसीज, मिलिट्री और जो भी इक्विपमेंट्स थे वो भी इन्होंने बड़े पीसफुली तरीके से हाफ ऑफ डिवाइड कर लिया। पहले ये इसीलिए चेकोस्लोवाकिया थी, जो कि हम ऑलवेज मजाक उड़ाते हैं कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, तो वो यही कंट्री थी। और कुछ
तो ऐसा हुआ था यहाँ पे, मतलब इनके रिलीजन को लेके कि एंटी रिलीजन बहुत सारी चीज़ें चली थी, कि ऐसा मानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ की चेक रिपब्लिक की एथिस्ट है, जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तो अब ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये जो वुडन लॉक्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आइस ब्रेकर वुडन लॉक्स हैं। एक बार बहुत पहले की बात है, बिल्कुल ये रिवर जम गई थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था, ठंड हो गई थी, यूरोपियन कंट्रीज में ठंड वैसे भी ज़्यादा पड़ती है, सबको पता ही है, बहुत बुरी तरीके से जम गई थी। तो इसलिए ये वुडन लॉक्स हैं जो आइस को ब्रेक करता है, इसलिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा जम गया था कि लोग यहाँ पे स्केटिंग करने आने लगे थे बहुत ज़्यादा, बट जो कि रिस्की भी था काफ़ी हद तक, इसीलिए इस यहाँ पे ये वुडन लॉक्स लगाए गए। तब से काफ़ी पुराने वुडन लॉक्स हैं आज के, हमें फ़ोटो भी दिखाई इन्होंने, देखो दिखाएंगे अभी ये। चेक रिपब्लिक की बहुत सारी कहानियाँ हैं एक्चुअली, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बताते हैं, उस टाइम पे भी रशिया ने इसको भी इन्वेड करने की कोशिश की थी, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बट उसके बाद बताते हैं कि फिर उठा, फिर एक बार फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई यहाँ पे, पूरा सब नुकसान हो गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, फिर एक बार ये उठा 2 साल में। और प्राग जो है वो अपनी नाइट लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियोस में यहाँ कितनी मस्त नाइट लाइफ है। वैसे मुझे लगता है पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसीलिए नाइट लाइफ है क्योंकि यहाँ पे नाइट तो होती नहीं है, 9:30-10 बजे तक अंधेरा तो होता नहीं है, तो लगता ही नहीं कि रात हुई है, तो दैट इज़ वाई दैट नाइट लाइफ इज़ वेरी मच फेमस इन यूरोपियन कंट्रीज़। बह रहे कहीं किनारे टूटे हुए हो, 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 रास्तों में मिल गए कहीं किनारे छूटे हुए हो, माझी रे। से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा, सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा, चुपके से सुन इस पल की धुन। 2002, अभी बता रहे हैं कि 2002 में जो बाढ़ आई थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आई थी कुछ कुछ, उसने काफ़ी नुकसान किया था प्राग में, वो अभी तक का सबसे बड़ा डिज़ास्टर था यहाँ का, तो उस बारे में ही बता रहे हैं। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। सोवियत यूनियन रशिया ने यहाँ भी काफ़ी नुकसान किया, इसको इन्वेट करने की कोशिश की, काफ़ी कैसल्स वगैरह में नुकसान पहुँचाया, तो यही सब ये बता रहे हैं कि कैसे दोबारा खड़ा हुआ प्राग।
तो अब ये बता रहे हैं यहाँ के आईफिल टावर के बारे में। यस, प्राग का आईफिल टावर। एक्चुअली जब आईफिल टावर बना था उसके बाद जो चेक टूरिस्ट क्लब था वो जस्ट विजिट करने गया पेरिस और उसने वहाँ का आईफिल टावर देखा और वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चेक प्राग में भी हम लोग एक मतलब तब भी राजधानी प्राग ही हुआ करती थी, प्राग में हम लोग एक अपना आईफिल टावर बनाएंगे। तो उन्होंने एक अपना आईफिल टावर बनाया, ये इतना लंबा तो नहीं है बट उसके जैसे उसको रिजेंबल करता है और वो भी स्टील एंड आयरन का बना हुआ है और ये भी स्टील एंड आयरन का ही बना हुआ है। और बताते हैं जब आप आईफिल टावर देखने के लिए उस पहाड़ी में जाते हो तो वहाँ से पूरा प्राग दिखता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग तो नहीं गए क्योंकि एज यूजुअल टाइम, एक्चुअली मेरा जो प्लान था पहले वो था पेरिस एंड एम्स्टर्डम जाने का क्योंकि दोनों पास में हैं तो दोनों कंट्रीज एक बार में कवर हो जाएंगी। बट देन जो डिसीजन लिया हमारी टीम मेट ने प्राग जाने का वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मतलब मुझे सीरियसली मुझे यहाँ आके ज़्यादा अच्छा लगा ऐसा लग रहा है क्योंकि पेरिस में और एम्स्टर्डम में तो ऐसा कुछ नेचर का कुछ खास है नहीं, ओनली सिटी लाइफ इज देयर। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, अब हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। खाना वाना भी कुछ भी नहीं खाया हमने। दिल भरता नहीं, आँखें रचती नहीं, चाहे कितना भी दे। और ये थी कैनबिस शॉप। तो कैनबिस जो हमारे यहाँ भांग बोलते हैं इसको, ये कम्प्लीटली लीगल था, ये कम्प्लीटली लीगल है प्राग में ये चीज़, तो खुलेआम बिक रहा था, शॉप्स थी बकायदा इसकी प्रॉपर। और हम जा रहे हैं अपने होटल की ओर। अभी टाइम हो रहा है 9:30, हमने टैक्सी ले ली है और अभी प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है, 9:30 बज चुके हैं। और कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से प्राग कैसल, देखिए मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। नाइट में और ज़्यादा सुंदर लगता है, देखना था नाइट में बट नाइट हो ही नहीं रही है तो हमें तो होटल जाना है, इसलिए इसको मॉर्निंग में ही देख लेंगे। अब कल हमने कवर करना है प्राग कैसल। तो हम आ गए हैं अभी रूम पे, अभी बज रहा है 9:39 और मैंने देखो एक कैप ली, आई वांट अ कैप, क्या लूँ मतलब यहाँ से और क्या ले सकते हैं, सोविनियर्स है ये, तो मेरे को लगा चलो पराग की एक निशानी हो जाएगी कैप, दिस इज माय कैप, अच्छी कैप है। और अब हम आ गए हैं रात को 10 बजे बाद मैकडी में कुछ खाने के लिए क्योंकि पास में मैकडी है, तो यही हम कुछ खाने आ गए। और यहाँ पे सेल्फ ऑर्डर कियोस्क है, खुद से सेलेक्ट करो, खुद से ऑर्डर करो, पेमेंट करो और रिसीट लेके काउंटर पे जाओ, वो आपको आपका ऑर्डर दे देंगे।